नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ गुरुजी में। दोस्तों आज की वीडियो में ये पौधा देख लीजिए, फल देख लीजिए, इसे एवोकाडो के नाम से जानते हैं। ये नाशपत्ती के समान दिखाई देते हैं, एवोकाडो के पौधा ये फल इस प्रकार से देख लीजिए। इसे मक्खन फल के नाम से भी जाना जाता है, हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। इसके अनगिनत फायदे हैं, शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से दोस्तों ये गंजे सर पर बाल भी लाने का काम करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। अगर मेरे वीडियो में बता रहे जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आशा करता हूँ कि दोस्तों आप भी आयुर्वेद के साथ जुड़ रहे हैं, आयुर्वेद की जानकारी सीख रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एवोकाडो ना ये हृदय के लिए सबसे अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका निरंतर सेवन किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा रहती है नियंत्रित रहती है, और हाई जो हार्ट रहती है ना हमारे, वह स्वस्थ रहती है। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होती तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर हार्ट की बीमारी हो जाए तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हार्ट अटैक कैसा गंभीर बीमारी है। जिसे होता है दोस्तों वही जान पाएंगे, उसके जीवन नरक के समान होता है। तो अगर इसका निरंतर सेवन किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है और हार्ट जो है दोस्तों स्वस्थ रहता है, हार्ट अटैक की समस्या नहीं आती। आंखों के लिए इसका फायदा बता रहा हूं, इसमें एवोकाडो में लूटीन और जेक्सानाथिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आंखों को स्वस्थ रखते हैं मित्रों, और कैंसर में भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एवोकाडो अग्नाशय और सर्वाइकल कैंसर से हमें बचाता है खाने से। ये पाचन क्रिया में भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एवोकाडो में फाइबर उचित मात्रा में होती है जो कि पाचन संबंधित समस्या को ठीक करता है। रक्तचाप को कंट्रोल करता है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, उच्च रक्तचाप कंट्रोल में रहता है। चलिए अब जानते हैं गंजापन में इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो एवोकाडो को नारियल के दूध के साथ बालों पर लगाने से टकले बाल पर यानी कि गंजे सर पर फिर से बाल आना शुरू हो जाते हैं, और यह प्रयोग आपको एक दो दिन नहीं करना है, यह प्रयोग लगातार एक महीने तक करनी है। कैसा भी गंजापन की बीमारी हो, गंजे सर पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आयुर्वेदिक दवा फायदे देते हैं लेकिन धीरे से, लेकिन 100% फायदा देते हैं, मेडिकल में मिलने वाले दवा की तरह नुकसान नहीं करते। ये अगर आपको फायदे भी नहीं देते आयुर्वेदिक दवा तो नुकसान भी नहीं करते मित्रों, इसलिए आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग पूरे विश्वास के साथ किया जा सकता है। तो आपको एवोकाडो को नारियल के दूध के साथ बालों पर लगाना है गंजापन को दूर करने के लिए। इसे एक महीने में आपके गंजे सर पर छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं, और उम्र से पहले हुए आप अपने गंजे सर पर छोटे छोटे फिर से बाल उगा सकते हैं इस आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करके। आशा करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।